हाय एवरीवन, मोनिकाज डीआईवाई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आई हूं नेशनल क्राफ्ट मेले में, जो चंडीगढ़ के कलाग्राम में लगा है। और इस मेले में इंडिया के सभी स्टेट्स के क्राफ्ट्स लगे हैं, और मैं अपने इस वीडियो में कोशिश करूंगी कि आपको मैक्सिमम स्टेट्स का दिखा सकूं। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया के अलग अलग स्टेट्स की क्या स्पेशलिटी है दिखाने की कोशिश करूंगी, ताकि आप भी कभी उस स्टेट या उस शहर में कभी जाएं तो आप वहां की स्पेशल चीज ले सकें, जो कि हमें आम मार्केट में नहीं मिलती। और अभी मैं खड़ी हूं नागालैंड की स्टॉल पर। तो ये स्टॉल आर्टिफिशियल फ्लावर्स की है, बहुत ही सुंदर स्टिक्स हैं, सारी हैंडमेड है और रेट भी बड़े रीजनेबल है। कोई 100 की स्टिक है, कोई 40 की स्टिक है, बहुत डिफरेंट वैरायटी है। आपके शहर में भी कभी नेशनल क्राफ्ट मेला लगे तो जरूर जाएं। इस क्राफ्ट मेले में 200 से ज्यादा स्टॉल लगी हैं। मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स का क्राफ्ट दिखा सकूं। अगली स्टॉल में सारा क्विल्टेड सामान है, क्विल्टेड कुशन कवर, बेडशीट, डायरी, डायरी का कवर बहुत सुंदर बना हुआ है पैचवर्क में। आगे आंध्र प्रदेश के तिरुपति के भगवान की बड़े बड़े फ्रेम की हुई तस्वीरें हैं, बहुत सुंदर सुंदर है। और अब हम पहुंच गए हैं दादरा नगर हवेली के सामान पर। तो ये खजूर के पत्तों से बनी हुई चीजें हैं। तो आइए अब चलते हैं बनारस। तो इस स्टॉल में सारी बनारसी सिल्क की आइटम्स हैं, सारा फैब्रिक बनारसी है। और अभी मैं खड़ी हूँ राजस्थान की स्टॉल पर। राजस्थान की ज्वेलरी बहुत ही सुंदर है। और पहुंच गई हूँ पटियाला की फुलकारी, फुलकारी के दुपट्टे, फुलकारी के सूट, फुलकारी की पूरी वैरायटी यहाँ मौजूद है। तो अब चलते हैं मणिपुर। ये मणिपुर के बर्तन हैं, बिल्कुल डिफरेंट वैरायटी है। वहाँ भी ऐसे बर्तन चलते हैं? ये ट्रेडिशनल है ये। और ये क्या चीज है? ये वाइन के दर, वाइन के दर, वाइन का दर, वाइन। और अभी मैं पहुंची हूँ श्रीनगर की स्टॉल पर। तो इस स्टॉल पर शॉल, स्टॉल, सूट्स, कुर्ते, फिरन, पोंचू सब अवेलेबल है। तो यहाँ पर मेरे को एक स्टॉल पसंद आ रही है प्लेन में, और उसका रेट है 1800। देखते हैं अब थोड़ी बार्गेनिंग करके क्या बनता है। फुलकारी की एक और स्टॉल लगी है, और ये स्टॉल लगाने वाले राजपुरा से आए हैं। तो इनकी थोड़ी अलग वैरायटी है, ये खुद तैयार करवाते हैं। और ये रियल पर्ल्स हैं, अच्छी वैरायटी है।
और यहाँ इस स्टॉल पर सी शेल से भी बनी हुई चीजें हैं। और ये उड़ीसा की स्टॉल है, क्या मटेरियल के उड़ीसा में कहाँ से? ये देखा ना, ये व्हाइट वाली, व्हाइट वाली ये वाला। इस स्टॉल में भी श्रीनगर की वैरायटी है, यहाँ पर कॉटन के एम्ब्रॉयडरी वाले कुर्ते हैं। और इस अगली स्टॉल में सारी पीतल की मूर्तियां हैं, बहुत ही सुंदर भगवान की मूर्तियां हैं। और ये शंख देखिए, और इसका काम देखिए, कितना बारीकी वाला काम है, बहुत सुंदर शंख है। और ये 3500 का शंख है। और पीतल के बहुत ही अलग अलग तरीके के ताले भी यहाँ पर हैं, लॉक्स। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये पाम ट्री के लीव्स के ऊपर की हुई है, और इस पेंटिंग में रामचरितमानस के दृश्य दिखाए गए हैं, पूरी रामचरितमानस के पिक्चर्स दिखाए हैं। और ये बहुत ही बारीकी का काम किया हुआ है, बहुत ही सुंदर अमेजिंग पेंटिंग है। और इसी तरह से पाम ट्री के ऊपर पेंटिंग करके वॉल हैंगिंग्स भी बनाई गई हैं। और अभी हम पहुंच गए हैं बागबत की बेडशीट्स के स्टॉल पर। और अब मैं पहुंच गई हूं जयपुर। तो इस स्टॉल पर जयपुर की सारी वैरायटी, जयपुरी सूट, जयपुरी दुपट्टे, कॉटन में, सिल्क में, सारी वैरायटी है, सारे कलरफुल है। और ये स्टॉल है वुडन पीस की, वुडन क्राफ्ट है सारे, ये सारी चीजें वुडन की बनी हुई है। Thank you.
और ये स्टॉल है लखनऊ की, तो यहाँ पर लखनवी सूट्स हैं, कुर्ते हैं, अनारकली, स्ट्रेट, सारे तरह के हैं। और ये स्टॉल है जयपुर राजस्थान से वुडन क्राफ्ट की, आर्ट लवर्स के लिए ये बेस्ट स्टॉल है। बहुत ही सुंदर वुडन क्राफ्ट है और इनके ओनर ये सारा काम शौकिया करते हैं, ये अशोक कुमार जी हैं। इन्होंने फर्स्ट टाइम किसी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है और ये इतने फेमस है कि लोग इनके घर से आकर लेकर जाते हैं। अगर किसी को इनका एड्रेस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और साथ ही कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको कौन सी स्टेट का क्राफ्ट सबसे ज्यादा पसंद आया है। यहाँ पर बहुत सारी स्टॉल्स लगी हैं, मेरे ख्याल से 200 से ज्यादा स्टॉल्स लगी हुई हैं। अभी हमें आए हुए यहाँ 3 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी स्टॉल्स देखनी बाकी हैं और मैं तो पूरी तरह से थक गई हूँ, 3 घंटे हो गए मेरे को। यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम भी चल रहे हैं। स्टॉल है वुडन हैंडीक्राफ्ट की वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल में जगह है 24 परगना, वहां से लगाई गई है और इनको इस कला के लिए नेशनल अवार्ड मिला है। और अभी जो सीनरी आप देख रहे हैं इसकी कॉस्ट है 10,000। वैसे तो हर स्टेट की अपनी स्पेशलिटी होती है, लेकिन फिर भी आपको कौन सी स्टॉल का क्राफ्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी मैं पहुंच गई हूं भागलपुर सूट्स की स्टॉल पर। इस स्टॉल पर भी बहुत प्यारे सूट हैं और सूट की प्राइस भी 1200-1500 है। और अभी मैं पहुंच गई हूं स्टॉल नंबर 153। ये है कोल्हापुरी लेदर चप्पल की। कोल्हापुरी चप्पलें तो सभी की बहुत ही फेवरेट होती हैं, मुझे पहनी हुई बहुत ही सुंदर लगती हैं। और इस दुकान पर, इस स्टॉल पर छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक की सभी साइज में चप्पलें हैं। छोटे बच्चों की तो बहुत ही क्यूट क्यूट चप्पलें हैं। और फिर मैं घूमते घूमते पहुंच गई हूं कच्छ गुजरात में। ये तो बिल्कुल ही अलग ही वैरायटी है, बहुत प्यारी वैरायटी है। और यहां पर ये पर्स सिर्फ 250 में, बहुत ही प्यारा पर्स है।
और अभी घूमते घूमते मैं थक गई हूँ और अब मेरे को लगता है कि अब हमें खाना खा लेना चाहिए। तो अभी चलते हैं खाने की स्टॉल की तरफ, क्या है खाने में। और अभी है ये सेल्फी टाइम। खाने वाली स्टॉल पर हम पहुंच गए हैं और यहाँ पर भेलपूरी, गोलगप्पे, चाट और बाकी सारे स्टेट्स के खाने भी हैं, जैसे कि पंजाबी ढाबा, अमृतसर वाले, दिल्ली के खाना, दिल्ली सिक्स, चाट भंडार भी है यहाँ पर, अन्ना डोसा, बिहारी व्यंजन, कश्मीरी, बिहारी, राजस्थानी, गुजराती, सारे ही खाने यहाँ पर हैं। और अब हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम क्या खाएं, तो आखिर में हमने ये डिसाइड किया है कि सब अपने अपनी पसंद का खाना खाएंगे। तो हमने एक प्लेट भटूरे छोले की ऑर्डर करी है और एक मसाला डोसा ऑर्डर करा है और एक नान और शाही पनीर ऑर्डर किया है और फिर बाद में देखते हैं मीठे में क्या खाते हैं। खाना खाने के बाद अब हम अपने घर वापस जा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।